Hello everyone, my name is Anjali and here at Street Zero we are trying to help you for your upcoming exam of UPPET 2022. इस एग्ज़ाम के करंट अफेयर सेक्शन पे फोकस करते हुए हमने ये वीडियो सीरीज़ बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि दिस इज़ द फेब्रुअरी मंथ. इससे पहले जनवरी मंथ भी अवेलेबल है. दैट विल सजेस्ट यू टू गो एंड टू विजिट एंड सी द वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन ऑफ जनवरी. तो हियर वी आर टू हेल्प यू टू पेस अप एंड फॉर द क्विक एंड एफिशिएंट रिवीजन ऑफ योर करंट अफेयर सेक्शंस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड विद यू. Question number one is on the screen. What was the theme of UPW at the Republic Day Parade of 2022? हर question का, हर English version का Hindi translation side by side given है, चाहे वो question है चाहे solution है. तो आप जैसे भी आपको convenient लगे pause करो, read कर दो. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सी थी जिसने गणतंत्र दिवस परेड पे जिसको रिप्रेजेंट किया गया था, दिखाया गया था. और क्योंकि यूपी का जो टैबल्यू था, जो झांकी थी, वो टॉप रैंक रही थी, तो ये नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऑप्शन क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज सी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद नाम की झांकी, थीम की झांकी, जिसको हमारे पास बेस्ट स्टेट, जिसने बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिलवाया उत्तर प्रदेश को, बेस्ट टैबल्यू बना. तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है वो इस तरीके से लॉन्च की गई है कि यूपी में बनने वाला क्राफ्ट जो इंडिजिनियसली बनाया जाता है, मतलब सिर्फ यूपी के क्राफ्ट्समैन बनाते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको एक्नॉलेजमेंट मिले, उस चीज़ के लिए बनाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. जैसे आप फेमस क्राफ्ट, जिसमें हम लोग एक फेमस इसकी बात कर देते हैं, हम लोग बात कर देते हैं चिकनकारी की, द फेमस वर्क ऑफ थ्रेड, द फेमस वर्क ऑफ थ्रेड जो यूपी के क्राफ्ट्समैन बनाते हैं, चिकनकारी हो गया, जरी सरदोजी का काम हो गया, यहाँ पे पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया द फेमस क्राफ्ट ऑफ यूपी, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चिकनकारी. ये वीट शाफ्ट्स को यूज करके ये पेंटिंग्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो ऐसे करके फेमस क्राफ्ट ऑफ यूपी का रिप्रेजेंटेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर. ठीक, फिर जैसे हमने बात किया कि जो यूपी का टैबल्यू था वो बेस्ट स्टेट के अंडर सेलेक्ट हुआ 12 स्टेट्स एंड यूटीज में से. क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वॉज द थीम ऑफ कर्नाटका टैबल्यू. कर्नाटका का टैबल्यू जो सेकेंड नंबर पे रहा, वो हमारे पास थीम था उसका क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. ऐसे ही थर्ड पोजिशन वेंट टू मेघालय. मेघालय के टैबल्यू का नाम मेघालय 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड एंड इट्स ट्रिब्यूट टू वुमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो ऐसे करके टॉप थ्री टैबल्यूज के बारे में हमें पता लग गया. दिस इज अ हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड ये पिक्चर में गिवन है द टैबल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एज वेल एज वाराणसी को पिक्चराइज किया गया, कल्चर को हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश गॉट द परमिशन टू स्टार्ट आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन. आधार नंबर जो हमारे पास रहता है, आधार कार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका ऑथेंटिकेशन, जैसे केवाईसी नॉर्म्स है ना, नो योर कस्टमर नॉर्म्स वगैरह का ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन स्टार्ट किया है, कौन सी सिटी ने? तो आंसर है इसका ऑप्शंस में से ग्रेटर नोएडा ने स्टार्ट किया है. ठीक है, ग्रेटर नोएडा. अब इसका पर्पस क्या रहेगा कि हमारे पास क्या हो जाए, एक तो वैलिडेट इंस्टेंटली एनी टाइम एनी वे, मतलब फटाफट से स्पीड में आपके पास क्या हो जाए, फटाफट से ऑथेंटिकेट हो जाए कि केवाईसी नॉर्म्स आपके अपडेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि उसमें फ्रॉड्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा. जो बेनिफिशरीज हैं, अगर आपके आधार कार्ड्स को यूज़ कर लिया जाता है बाय समवन एल्स फॉर सम फ्रॉड, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अब कम हो जाएंगी. तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के लिए. अब यहाँ पे आप लोग इसमें डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे गिवन है दिस इज के ये 12 डिजिट नंबर है. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि जो आधार है वो कितने नंबर्स का रहता है, कितने डिजिट्स का रहता है. तो इट इज़ अ 12 डिजिट नंबर, आधार नंबर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
Which of the following from Uttar Pradesh has been declared as the Ramsar site? रामसर साइट्स का बात किया जाता है तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के अंडर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए है. वेटलैंड्स क्या होते हैं? वाटर बॉडीज, इट कैन बी मार्शी एरियाज, इट कैन बी मैंग्रोव एरिया, मतलब जहां पे पानी एग्जिस्ट कर रहा है, लेक्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं. तो वेटलैंड्स जिन एरियाज को कंजर्व करने का जरूरत है उनको रामसर साइट्स अनाउंस किया जाता है. तो उत्तर प्रदेश की कौन सी साइट को रिसेंटली ऐड किया गया है? इट इज भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, इसके साथ भकेड़ा एंटर होने के साथ 10 टोटल साइट्स हो गई हैं यूपी की. और वर्ल्ड लेवल पे, मतलब अगर आप रामसर साइट्स ऑफ इंडिया का बात करते हैं, नेशनल लेवल पे नाउ वी आर हैविंग 75 साइट्स इन इंडिया. पहले ये हमारे पास लास्ट ईयर तक 49 थी, मतलब ऐसे कह लो 22 जनवरी तक वी वर हैविंग 49 रामसर साइट्स. फिर ये जून जुलाई तक इंक्रीज होकर 59 के आसपास चली गई हैं और अब टोटल अगस्त में दे रीच टू नंबर 75. तो वेटलैंड डे वाले दिन, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को रहता है, डेज एंड डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, उनके थीम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं. तो थीम वर्ल्ड वेटलैंड डे 22 का रहा था रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड नेचर. 2 फरवरी को अनाउंस किया गया, गुरुग्राम में इस चीज़ को अनाउंस किया गया कि भकेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश से अब रामसर साइट है. ठीक है, तो तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसकी 14 रामसर साइट्स हैं. तो ये टॉप लेवल पे आ गया, नंबर वन पे फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. एंड यूपी इज नाउ एट द सेकेंड नंबर विद 10 रामसर साइट्स. तो 22 में मतलब अभी जो लेटेस्ट एडिशंस का हम लोग बात करते हैं, भकीरा से पहले हैदरपुर वेटलैंड यूपी का ऐड किया गया, दैट वाज इन दिसंबर 21. और अभी कौन सा ऐड किया गया है? इट इज़ भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है ऑफ ऑल द वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑल द रामसर साइट्स, नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यूपी की ऐड हुई है, वी आर टॉकिंग अबाउट रामसर साइट्स. तो ये 10 रामसर साइट्स यूपी की आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे. मैं आगे चल के इनको और क्लियर व्यू में आपको दिखा भी दूंगी. अदरवाइज अगर हमारा इंटरेस्ट है सारी रामसर साइट्स देखने का एक बार इंडिया का, तो इस डायग्राम को हमने गो थ्रू करना. दिस इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश. अब इसका आंसर तो हमें पता लग ही गया होगा, कितनी रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, अभी पीछे बात किया है ना. तो आंसर क्या है इसका? यस, 10. उत्तर प्रदेश पे आज के टाइम पे 10 रामसर साइट्स हैं. दीज आर द नेम्स ऑफ द 10 रामसर साइट्स विद द पर्टिकुलर लोकेशंस इन उत्तर प्रदेश. सावन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, सुर सरोवर इज इन आगरा, सरसाए नवर झील इतावा में है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी नवाबगंज यूपी, सामसार बर्ड सेंचुरी रायबरेली उत्तर प्रदेश, संधी बर्ड सेंचुरी हरदोई उत्तर प्रदेश में है, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी इज इन गोंडा उत्तर प्रदेश, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नराव स्ट्रेच पे लाई करती है उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में, एंड भकीरा बर्ड सेंचुरी इज इन संत कबीर नगर ऑफ उत्तर प्रदेश, द रीसेंट एडिशन. तो 10 टोटल रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश. द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज साइट्स इज गिवन है. Next question is talking about which of the following documentary of India has been nominated for the Oscars 2022. इनमें से किस पिक्चर को, किस डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर्स में? इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड हो जाता है ये ऑस्कर्स. इसमें कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री, इट इज राइटिंग विद फायर, इसको नॉमिनेशन मिला है राइटिंग विद फायर को. राइटिंग विद फायर इज बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर जिसका नाम है खबर लहरिया, और ये पब्लिश होता है चित्रकूट यूपी से, उत्तर प्रदेश से. उत्तर प्रदेश की दलित वुमेन ने, डिप्रेस्ड क्लासेस वुमेन ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है खबर लहरिया, और उस पे रिंटू थॉमस एंड सुमित घोष ने क्या बना दी है, डॉक्यूमेंट्री बना दी है राइटिंग विद फायर, और उसको नॉमिनेशन मिल गया है ऑस्कर्स में, ऑस्कर्स 22 में. ठीक है, इसका लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज बुंदेलखंडी लैंग्वेज. 2022 में लॉन्च किया गया खबर लहरिया.
और इसका लैंग्वेज बुंदेलखंडी लैंग्वेज. राइट, दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ परफ्यूम इन न्यूयॉर्क एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. उत्तर प्रदेश की एक सिटी ने एक परफ्यूम भेजा था न्यूयॉर्क के इवेंट में, तो उस सिटी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द सिटी इज कन्नौज. ये छोटी बात नहीं है, एक इंडियन सिटी मतलब अ सिटी ऑफ अ स्टेट, एक पूरा स्टेट भी नहीं, इट इज सेंडिंग अ परफ्यूम एट इंटरनेशनल लेवल एज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिया. तो यस, इट इज अ बिग थिंग. आंसर इसका कन्नौज है, कन्नौज ने भेजा. द नेम ऑफ द परफ्यूम इज विकास खन्ना बाय जिगराना. ये जो परफ्यूम है इसका थीम भी मतलब जो इसका फ्रेग्रेंस है, इट इज बेस्ड ऑन द ब्लेंड ऑफ क्लव, कार्डमम, नटमेग, सैंडलवुड, जैस्मिन, रोज. मतलब ज़्यादातर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मसालों की तरह यूज़ किए जाते हैं हमारी किचन में. एंड वाइस तो ऐसे क्यों रखा गया इसका फ्रेग्रेंस, क्यों? जो विकास खन्ना है, ही इज द नेम ऑफ अ फेमस, इट इज़ द नेम ऑफ अ फेमस शेफ, ही इज़ अ मिशलन स्टार शेफ फ्रॉम इंडिया. राइट, तो उनको रिप्रेजेंट करके, उनको बेस बनाकर, उनकी किचन का रेफरेंस लेके ये इसके फ्लेवर्स रखे गए हैं और इसका नाम भी रखा गया है विकास खन्ना बाय जिगराना. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, एज आई हैव टोल्ड यू, द फर्स्ट टाइम के इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है, एक सिटी ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है टू USA. कन्नौज वैसे भी फेमस है बींग एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया. स्पेशल काइंड ऑफ परफ्यूम्स, इत्र बनाए जाते हैं यहाँ पे, और विकास खन्ना का नाम यहाँ पे आया है. तो इनके एक बुक भी पीछे लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बरकत. आई हैव मेंशनड इट हियर, विकास खन्ना की बुक बरकत, और ये इनका परफ्यूम है विकास खन्ना. देखो आप यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, विकास खन्ना बाय जिगराना, द हिंदी ट्रांसलेशन, एंड ही इज द मैन विद द परफ्यूम उनके नाम का. सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द MPL 58th नेशनल चेस चैम्पियनशिप. जो MPL नेशनल चेस चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे हुई, कंडक्ट कहाँ पे करवाया गया इसको? तो MPL 58th नेशनल चेस चैम्पियनशिप इज कंडक्टेड इन कानपुर, ये होस्ट किया गया कानपुर द्वारा. 58th नेशनल चेस चैम्पियनशिप था ये, और इसका पर्टिकुलर लोकेशन वॉज गेंजीज क्लब इन कानपुर, जहाँ पे कंडक्ट करवाया गया. द नेशनल प्रीमियर चेस चैम्पियनशिप इज द एनुअल नेशनल चेस चैम्पियनशिप, हर साल कंडक्ट करवाया जाता है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 में पहली बार कंडक्ट हुआ था, आंध्रा स्टेट में कंडक्ट किया गया था, ठीक है. बट तब ये बाई एनुअल होता था, यानी दो साल में एक बार किया जाता था, बट अब 1971 से इट इज़ बीन प्लेड ईयरली, हर साल. द फर्स्ट एडिशन हेल्ड इन एलुरू आंध्र प्रदेश, जैसे 1955 यहाँ पे बात किया, इट वॉज इन एलुरू आंध्र प्रदेश. और वुमेन चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी 74 से, ये मेन चैम्पियनशिप का हो गया, दिस इज फॉर वुमेन चैम्पियनशिप. जो फर्स्ट 10 एडिशंस थे हमारे पास इस इवेंट के, 58th नेशनल चेस चैम्पियनशिप के, ये डोमिनेट किए गए बाय खादिलकर सिस्टर्स वसंती, जयश्री एंड रोहिणी, ये टॉप प्लेयर्स रहे हमारे पास. और जो चेस चैंपियनशिप हमारे पास जीती है, 58th नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये 18 ईयर ओल्ड अर्जुन एरिगेसी ने जीती है, ही वॉज द वनर ऑफ द इवेंट, ठीक. यहाँ पे हम लोग कानपुर पॉइंट आउट कर सकते हैं, द लोकेशन ऑफ कानपुर ऑन द मैप. तो ये रहा कानपुर मैप के ऊपर, इट इज हेयर, दिस इज कानपुर द लोकेशन जहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया है इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ इज बिल्ट इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बूथ, ग्रीन बूथ दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब वहाँ पे ऐसे करके रिसोर्सेज को यूज किया गया दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आर नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट इन एनी वे. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज ए लखनऊ. लखनऊ में बनाया गया यूपी का पहला ग्रीन बूथ, कंट्री का पहला ग्रीन बूथ और यूपी का भी पहला ग्रीन बूथ. तो इन द फोर्थ फेज ऑफ वोटिंग, जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुए थे उसके फोर्थ फेज में, अ ग्रीन बूथ वॉज सेटअप एट एपी सेन पीजी कॉलेज. एपी सेन पीजी कॉलेज लखनऊ का, जहाँ पे ग्रीन बूथ सेटअप किया गया. द स्पेशलिटी क्या था? जीरो कार्बन एमिशन. जीरो कार्बन एमिशन मतलब कुछ भी ऐसा नहीं यूज हुआ दैट इज हार्मिंग द रिसोर्सेस. जैसे सोलर एनर्जी यूज की गई 100%,
तो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल चीज़ें नहीं यूज़ किए गए, जिनको रिन्यू किया जा सकता है वो यूज़ किया। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द बूथ रन ऑन सोलर पावर एंड वोटर्स ने जो यूज़ किए वो इलेक्ट्रिक कार्ट व्हीकल्स को यूज़ किया टू रीच द लोकेशन। नॉर्मल पेट्रोलियम ऑयल डीजल व्हीकल्स को यूज़ करने के बजाय इलेक्ट्रिक कार्ट व्हीकल्स को यूज़ किया गया। तो उन्होंने क्या रखा, जीरो कार्बन एमिशंस का बेस रखा। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे हैव यूज्ड अर्दन पिचर्स और कूलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स। इन्होंने यूज किए मिट्टी के बने हुए कुल्हड़, जो ऐसे कुछ दिखते हैं। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ लखनऊ का वो बूथ, ग्रीन बूथ। ठीक है, अगेन द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज हेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, स्टार्टेड इट्स फर्स्ट क्रेमेटोरियम फॉर डॉग्स। क्रेमेटोरियम इज शमशान घाट। डॉग्स के लिए पहला शमशान घाट बनाया गया है यूपी में, कहाँ पे बनवाया गया है? इट इज इन गाजियाबाद। मतलब लोगों के लिए, इंसानों के लिए शमशान घाट तो हमने सुना होगा, बट दिस शमशान घाट इज फॉर डॉग्स। गाजियाबाद में स्टार्ट किया गया और ये फैसिलिटी है नंदी पार्क में। नंदी पार्क जो हिंडौन रिवर के पास बहती है, के पास लगता है, जो हिंडौन रिवर का यहाँ पे फ्लो गिवन है। हिंडौन, दिस इज हिंडौन रिवर, ये पूरा हिंडौन रिवर है जो शिवालिक से चलने के बाद फाइनली जाके गंगा इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाता है। दिस इज द मेन रिवर यमुना, क्योंकि यमुना अल्टीमेटली जाके गंगा में गिरती है, तो यू कैन से कि अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो, बट पहले ये यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है, रिवर हिंडौन। फिर इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर, दैट इज काली रिवर। तो यू कैन सी ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में एंटर हुई है। मेरठ, ये सब इसके बैंक्स पे हो गए, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पे हो गए। दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर हिंडौन। एंड डॉग क्रमेशन क्यों? टू प्रोवाइड अ बिट ऑफ कम्फर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम। जब किसी का मतलब, एनी हाउ वेन यू आर हैविंग पेट्स तो दे विल बिकम योर फैमिली ओनली, है ना। तो फैमिली के लिए क्रेमेटोरियम ग्राउंड बनना, एक डॉग के लिए क्रेमेटोरियम ग्राउंड बनना, शमशान घाट बनना, तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। टेंथ क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अचीव्ड अ न्यू अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टू चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार रोबोट्स को यूज किया गया हमारे पास उत्तर प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट में सर्जरी परफॉर्म करने के लिए? तो आंसर है इसका पीजीआई लखनऊ में यूज किया गया रोबोट्स को टू परफॉर्म द सर्जरी। दिस इज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम एट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ। यहाँ पे यूज किया गया रोबोट्स को टू परफॉर्म द सर्जरी। पीजीआई लखनऊ बिकेम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू अचीव द फीट। डॉक्टर यूज रोबोट्स टू ऑपरेट टू क्योर कंजेनिटल डिजीजेस एंड ब्लॉकेज इन द ईसोफेगस एंड स्टमक। ईसोफेगस इज द फूड पाइप। तो फूड पाइप और स्टमक में कंजेशन और ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए यूज किया गया रोबोट्स को। रोबोटिक सर्जरीज जो हम लोग सुनते हैं, तो रोबोट्स को यूज किया गया। लखनऊ का लोकेशन अगर हम लोग इच्छुक हैं देखने के लिए कि कहाँ पे पड़ता है लखनऊ यूपी में, तो यूपी का लोकेशन, दिस इज यूपी, यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया है, और यूपी में दिस इज लखनऊ, दिस इज लखनऊ। जिसके आसपास हम लोग अगर सिटीज़ का बात करते हैं, कौन कौन सी पड़ जाती है? हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली इज हेयर, बाराबांकी इज हेयर, सीतापुर, तो दीज आर द एडजॉइनिंग लोकेशंस ऑफ लखनऊ, राइट। हिंदी एक्सप्लेनेशन। 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द वर्क ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ मनी पर्वत हैज बीन स्टार्टेड। मनी पर्वत नाम की एक साइट, किस डिस्ट्रिक्ट में इसके ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट किया गया है? तो आंसर इज अयोध्या। अयोध्या में मनी पर्वत, मनी पर्वत जो लोकेशन है, इट इज इन अयोध्या। ब्यूटिफिकेशन ऑफ मनी पर्वत प्रिजर्व बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज द मेन सेंटर ऑफ फेमस सावन झूला मेला ऑफ रामगढ़ी अयोध्या, रामनगरी अयोध्या। तो जो मनी पर्वत लोकेशन है, वो सावन झूला का जो मेला लगता है उसका लोकेशन पर जाता है रामनगरी अयोध्या। वाई इज इट कॉलिंग वी कॉलिंग इट एज रामनगरी अयोध्या? बिकॉज अयोध्या वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, ऑल्सो नोन एज सकेता, वर्क प्लेस ऑफ राम। और रामायण भी इस लोकेशन का मेंशन करती है अयोध्या के, अयोध्या का।
इंडिया में टोटल सेवन इम्पॉर्टेंट पिलग्रमेज साइट्स हैं हिंदूज के लिए. दे आर सेवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रमेज साइट्स, जिनमें से एक अयोध्या है. इन सेवन साइट्स को सप्तपुरी बोला जाता है. तो यू कैन सी द सेवन लोकेशंस इज द्वारका, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, उज्जैन एंड कांचीपुरम. तो सेवन लोकेशंस जिसमें से एक अयोध्या भी है. तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए रामनगरी अयोध्या, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम. दीज आर द लिस्ट ऑफ कल्चरल साइट्स ऑफ यूपी. आई हैव मेंशन्ड इट फॉर योर रेफरेंस. सेवन कल्चरल साइट्स: ताजमहल, आगरा फोर्ट, शीश महल, टूम्ब ऑफ इतमद उद दौला आगरा में, शाह बर्च, दीवाने आम आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, जामा मस्जिद. साइट्स ऑफ यूपी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. In how many districts of Uttar Pradesh cancer help center has been opened? So, जो cancer help centers हैं वो open किए गए हैं 12 districts में. UP के 12 districts में cancer help centers. 12 districts वही to support सपोर्ट्स होंगे कैंसर के अगेंस्ट हमारे पास मॉन्स्टर ऑफ कैंसर से लड़ने के लिए. लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो इन 12 सपोर्ट सेंटर्स को सेटअप करने में हेल्प कर रहा है. जो फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट था इंडिया का, इट वाज ओपन्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, जिसका नाम था अदियार कैंसर इंस्टीट्यूट. 1952 में इसको ओपन किया गया था. दीज आर सम गिवन मिथ्स जो हमारे पास बर्स्ट किए जाते हैं कैंसर से रिलेटेड, कि क्या करने से कैंसर हो सकता है, क्या करने से नहीं हो सकता, कैसे हमारे पास फैल सकता है कैंसर. एंड दीज आर सम कॉमन कैंसर्स जो इंडिया में देखे जाते हैं. मेन और वुमेन अदर कैटेगरीज आता हैं, बट द मोस्ट प्रोबेबल कैंसर जो मेन को होता है वो लंग कैंसर, और वुमेन को जो रह रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर. द मोस्ट प्रोबेबल प्लेसेस, राइट. ये लोकेशन है, इंडिया का मैप गिवन है यहाँ पे. यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ यूपी. एंड हम लोग एक चीज़ यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि कितनी स्टेट्स और कौन सी कंट्रीज हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करती हैं, है ना. तो यू कैन मार्क इट हियर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, उत्तराखंड है. मतलब टोटल ना 8 स्टेट्स हैं अगर हम लोग देखें तो. वी आर हैविंग टोटल 8 स्टेट्स जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करती हैं. उत्तराखंड, हिमाचल, दिस हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार. 8 स्टेट्स और एक कंट्री हो गई नेपाल. तो ये हमारे पास लोकेशंस हैं, स्टेट्स एंड कंट्रीज हैं दैट आर शेयरिंग द बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन नंबर 13 है कि भभनिया आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो जो इस साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातत्व स्थल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन वाराणसी. दिस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द पर्पज ऑफ दिस एग्जर्वेशन इज टू फाइंड द टाइम एंड डिटेल्स ऑफ द वन फेस शिवलिंग. 2020 में इस जगह पे एक वन फेस, एक मुख वाला शिवलिंग मिला था. तो उसका इन लोगों को ढूंढना है कि उसका टाइम डिटेल क्या है, कब वो बना था, किस टाइम पीरियड में उसको बनाया गया था. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन यूपी 786 साइट्स हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 786 साइट्स, और ये वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर नेचुरल साइट्स हैं. कुछ नेम्स यहाँ पे गिवन है एज पर योर कन्वीनियंस, और जितना आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जस्ट गो थ्रू इट. तो ऐसे करके शिवलिंग मिला है यहाँ पे. दिस इज द शिवलिंग, जो एक फेस का शिवलिंग मिला है. दीज आर फ्यू साइट्स ऑफ वाराणसी इन इटसेल्फ टू एक्सप्लोर. Which of the following district women hospital has secured first position under Kaya Kalp Award scheme in Uttar Pradesh? Uttar Pradesh ki Kaya Kalp scheme ke under kis district mein launch kiya gaya hai women hospital? Answer is Muzaffarnagar. Yahan pe introduce kiya gaya hai, launch kiya gaya hai district women hospital.
अंडर कायाकल्प अवार्ड स्कीम इन उत्तर प्रदेश। कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंडर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करें हैं। वैसे 6 एरियाज ऑफ असेसमेंट्स रखे गए हैं, जिसमें हॉस्पिटल अपकीप, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल्स, स्पोर्ट्स सर्विसेज, हाइजीन प्रमोशंस, ये सब चीज़ें। बट पर्टिकुलर चीज़ें जिन पे फोकस कर रहे हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे वाटर कूलर्स वगैरह लगाए जाएंगे हमारे पास बस स्टैंड वाले एरियाज़ में, ताकि पैसेंजर्स हीट से बच सके और उनको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके। इसके अलावा द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर मैन एंड वुमेन। हर बस स्टेशन पे जो हमारे पास ये टॉयलेट्स बनाए गए हैं, उनका अपकीप देखा जाएगा। तो दिस इज मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कायाकल्प स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है हॉस्पिटल। 15th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स हेल्ड दैट अ मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। कि मैरिज सर्टिफिकेट होना या इंसान का शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है? तो आंसर इज अलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि आपका शादीशुदा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन बेसिकली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 56, सिंगल पेरेंट्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो इस चीज़ को अपहेल्ड किया गया है। द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शंस। मतलब कि आप लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, स्टेट लेवल की जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, जहाँ पे अपील कर केस को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1956 से ध्यान में रखना, ये पॉइंटर्स यहाँ पे भी कुछ गिवन है। एक तो यही वाला सिनेरियो कि समबडी बिलोंग्स टू द हिंदू रिलीजन एंड अ सन और ग्रैंड सन दैन ही कैनॉट अडॉप्ट अ सेकेंड चाइल्ड। तो एक अगर बेटा है तो सेकेंड चाइल्ड वो नहीं अडॉप्ट कर सकते हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंडर। एंड आपके और आपके बेटे की एज का गैप एटलीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए। तो ये हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के पॉइंटर्स हैं। तो अलाहाबाद कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है। अलाहाबाद कोर्ट के बारे में एक दो पॉइंटर्स हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो है अलाहाबाद हाई कोर्ट, इट वाज द फोर्थ हाई कोर्ट टू बी फॉर्म्ड और टू बी अनाउंस्ड। जो पहली तीन हाई कोर्ट्स थी वो कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास की हाई कोर्ट थी। अलाहाबाद हाई कोर्ट वाज द फोर्थ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। 1866 में इसको बनाया गया था आगरा में, फिर बाद में 69 में अलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रयागराज इसकी मुख्य शाखा है, मतलब इसका सीट है, और इसकी स्थायी शाखा लखनऊ में रखी गई है। तो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अलाहाबाद। और अलाहाबाद, ये प्रयागराज जैसे आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, तो यस, अलाहाबाद जो सिटी है इसको रीनेम कर दिया गया है एज प्रयागराज। प्रयागराज क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर्स का। सरस्वती जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नाउ इट इज़ गंगा एंड यमुना। तो उसके नाम से, उस कॉन्फ्लुएंस की वजह से इसको प्रयागराज बोला जाता है। तो अलाहाबाद सिटी को ही रीनेम कर दिया गया है एज प्रयागराज। I hope this information is clear to you people. I am try to make it in as simple as possible language. और जो format था वो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से plan किया गया people to go through. अगर आप लोगों को इसका डाउनलोडेड फॉर्म चाहिए, PDF फॉर्म चाहिए, तो वो भी आपको पोर्टल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, द पोर्टल ऑफ स्ट्रेट जीरो। आई होप दिस वॉज अंडरस्टूड टू यू पीपल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।